अपकमिंग मोटोरोला फोन जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहे हैं, ये कौन से स्मार्टफोन है जिनमें कैमरा, बैटरी, रैम, स्टोरेज सारी चीजें यूनिक होने वाली हैं, ये कौन से स्मार्टफोन है जिनमें सारी चीजें बेस्ट होने वाली हैं, और आज की लिस्ट में ऐसे कौन से स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर फीचर्स, पैसा वसूल स्मार्टफोन होने वाले हैं। यानी कि किसी चीज पे आप पैसा लगा रहे हो तो ऐसी जगह लगाओ ना जहाँ आपको लगे कि यार सच में यार हाँ कुछ फायदा हुआ है, आपको ये लगे पैसा वेस्ट नहीं गया। तो आज की इस लिस्ट में कुछ ऐसे ही स्मार्टफोन हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहे हैं, एक से एक बढ़कर स्मार्टफोन है। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि इन सभी में से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। वैसे तो सभी के सभी बेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन आपको अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से इन में से एक बेस्ट स्मार्टफोन सेलेक्ट करना और मेरे को बताना कि मेरे को ये स्मार्टफोन पसंद आया। सो स्टार्टिंग करते हैं मोटो एस 30 प्रो से, डिस्प्ले 6.5 इंच जो कि सुपर मोल्ड में है, 120Hz रिफ्रेश रेट, बेजल लाइस विद पंच होल डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन, ये है डिस्प्ले की परफॉर्मेंस। बैटरी 4400mAh में होने वाली जो कि 68W फास्ट चार्जिंग में है। रैम 8GB स्टोरेज, 256GB। रियर कैमरा 50+13+2MP में होने वाला। फ्रंट कैमरा जो कि 32MP में होने वाला है। 50MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का सेकेंडरी कैमरा और 5MP का जो कि टर्टियरी कैमरा। फ्रंट का कैमरा होने वाला उसमें ड्यूल LED फ्लैश आपको देखने को मिलेगा। 4 सेंसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे और प्रोसेसर भी एक अच्छा खासा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 888 प्लस। मोबाइल हीट नहीं होगा, हैंग नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज जो कि 24,900 रुपये फिलहाल एक्सपेक्टेड है, देखते हैं कितनी अप डाउन होती है जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है मोटो एज 20 प्लस, ये स्मार्टफोन भी अंडर 25,000 की प्राइस रेंज में होने वाला। डोंट वरी, अंडर 20,000 की प्राइस रेंज से भी नीचे हमने स्मार्टफोन सेलेक्ट किया है, अंडर 15,000 की प्राइस रेंज से भी नीचे और अंडर 30,000 की प्राइस रेंज से नीचे। सो नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आने वाले हैं वो अलग अलग प्राइस रेंज में आने वाले हैं। मोटोरोला एज 20 प्लस, चलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, क्यों है ये स्मार्टफोन खास और क्यों आज की लिस्ट में सेलेक्ट किया। क्योंकि एक अच्छा कैमरा इसमें देखने को मिलेगा, बिग बैटरी बैकअप है, साथ ही साथ डिस्प्ले परफॉर्मेंस भी अच्छी होने वाली स्मार्टफोन की, और प्रोसेसर भी यहाँ पर आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी ठीक ठाक है प्रोसेसर। डिस्प्ले 6.6 इंच जो कि सुपर मोड में देखने को मिलेगी। रैम 8GB स्टोरेज, 256GB। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 778G, ये प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बैटरी 5000mAh में होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें हम रियर कैमरा 108+13+8+5MP में होने वाला है। 108MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का सेकेंडरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 5MP का डेप्थ कैमरा। कैमरा परफॉर्मेंस इतनी है, बताने में देखिए कितनी देर लगी मेरे को। फ्रंट कैमरा जो कि 32MP में है, ड्यूल कलर LED फ्लैश में, ये सारी चीज़ें आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगी। बट जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा इसकी अनबॉक्सिंग हम जरूर करेंगे। और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज जो कि 24,800 रुपये। नेक्स्ट स्मार्टफोन है मोटो G71S, अंडर 20,000 की प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन होने वाला है। डिस्प्ले 6.6 इंच जो कि सुपर मोल्ड में है, बेजल लेस विद पंच होल डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 6 प्रोटेक्शन, 120Hz रिफ्रेश रेट, बैटरी 5000mAh में होने वाली है, 33W फास्ट चार्जिंग, रैम 8GB स्टोरेज, 128GB। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695। रियर कैमरा 50+8+2MP में है, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का सेकेंडरी कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा। फ्रंट कैमरा जो कि 16MP में है और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 18,800 रुपये है ना कमाल का स्मार्टफोन फिलहाल जो कि एक्सपेक्टेड है प्राइस रेंज, देखते हैं कितनी अप डाउन होती है जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो है वो प्राइस रेंज के हिसाब से एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन निकालने जा रहे हैं और प्राइस रेंज बिल्कुल ही कम, यानी कि ना के बराबर। क्या कुछ खास है इस स्मार्टफोन में? ये स्मार्टफोन अंडर 10,000 की प्राइस रेंज में होने वाला। डिस्प्ले 6.6 इंच जो कि IPS LCD में है। बैटरी 5100mAh में होने वाली है। रियर कैमरा 64+8+2MP में है। फ्रंट कैमरा जो कि 24MP में है, ये देखिए यार इस स्मार्टफोन ने 4 चांद लगा दिए। और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 680, रैम 6GB स्टोरेज, 128GB। और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज भी बहुत कम है, 9,000 रुपये है इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज। और 9,000 रुपये में आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, बिग डिस्प्ले देखने को मिल रही है, साथ ही साथ एक कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक देखने को मिलेगी, 64MP का कैमरा मिल रहा है, ये देखिए है ना कमाल के स्मार्टफोन। मैंने पहले ही बोला था कि आज की लिस्ट में जो भी स्मार्टफोन होंगे वो कमाल के होंगे। इसी बात के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो नया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस लिस्ट का आखिरी स्मार्टफोन है मोटो G13 जो कि अंडर 15,000 की प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन होने वाला है। चलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं।
डिस्प्ले 6.7 इंच में जो कि यहाँ पर आपको IPS LCD में देखने को मिलेगी। 120 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, रैम 6GB स्टोरेज, 128GB, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 732G। यहाँ पर बात करें हम जिस हिसाब से प्राइस रेंज है, उस हिसाब से काफ़ी कुछ चीज़ें यूनिक होने वाली इस स्मार्टफोन में। बैटरी 5000 mAh में देखने को मिलेगी, सुपर फ्लैश चार्जिंग में होने वाली है। यहाँ पर बात करें हम रियर कैमरा 50+8+2 MP में होने वाला, फ्रंट कैमरा 32 MP में है। और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 13,000 रुपये में ये देखिए, ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं मोटो के स्मार्टफोन में। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज के स्मार्टफोन थे वो हमने स्पेशली सिलेक्ट किए थे, इसमें 2 दिन का टाइम लगा दिया था हमने कि ये जो सारे स्मार्टफोन हैं सेलेक्ट करने में कि कौन सी चीज़ मतलब कि परफेक्ट है, बैटरी भी अच्छी हो, कैमरा भी अच्छा हो, डिस्प्ले परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, ये सभी चीज़ें करने में टाइम लगा दिया था बहुत ज़्यादा। और प्राइस रेंज भी ऐसी रखनी थी जो कि फीचर्स तो हो लेकिन प्राइस रेंज भी साथ साथ अच्छी हो। सो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।